हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई एम, दिस इज मी अमूपाने एंड गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज आप सीखिए मैं सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो गाइस टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ टू यूज ऑफ कैपो। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग, जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सके। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कैपो का यूज हम कैसे करते हैं, इसे कहते हैं कैपो। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपो को अपने फ्रेटबोर्ड पर अटैच करना है। कोई भी फ्रेट्स पे आप अटैच कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड फ्रेट पे अटैच कर दिया। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहला यूज है, जब कभी भी हम सिंगिंग करते हैं तो सिंगर्स के स्केल्स को अप एंड डाउन करने के लिए आप उसी कॉर्ड प्रोग्रेशंस पे रहकर अपने स्केल्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए अभी जो मैंने कैपो लगाया है वो सेकंड फ्रेट पे लगाया है और कॉर्ड प्रोग्रेशन मेरा एक ही रहेगा, वो कौन सा है, ए माइनर, जी मेजर ओपन, एफ मेजर एंड अगेन जी मेजर। ऑलराइट, तो देखिए इन चार कॉर्ड्स के अंदर ही मैं कॉर्ड्स को बजाऊंगा। ऑलराइट, और सॉन्ग्स के स्केल्स को मैं अप एंड डाउन कैसे करूंगा, तो देखिए इस गाने को सबसे पहले मैं कैपोन सेकंड फ्रेट पे लगा के गा रहा हूँ। ऑलराइट, तो देखिए तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है जैसे मेरा वॉइस इसमें बेस वाला आ रहा है, मुझे थोड़ा सा मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ, यानी और स्केल को थोड़ा सा ऊपर हाई ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कॉर्ड्स मेरे वही रहेंगे, मैं कैपो को एक फ्रेट आगे ले जाऊँगा, यानी अभी मेरा सेकेंड फ्रेट पर है, मैं इसको थर्ड फ्रेट पर ले जाता हूँ। तो देखिए सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन, मेरा स्केल्स थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। देखिए दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अगर मुझे अभी भी अनकंफर्ट लग रहा है तो मैं और एक आगे फ्रेट ले जाके करता हूँ और कॉर्ड्स मेरे वही रहेंगे। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ऑलराइट, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा कंफर्ट वॉइस है, तो मैं इस कैपो के अकॉर्डिंग मैंने अपनी वॉइस को चेंज कर दिया। ऑलराइट, अब मैं आपको सेकंड यूज़ बताता हूँ कैपो का। देखिए गाइस, एफ मेजर अभी मैंने विथ बार कॉर्ड्स पकड़ी है, अगर मैं एफ मेजर शेप को नहीं पकड़ पाता हूँ विथ बार, तो मैं कैपो ऑन फर्स्ट फ्रेट लगाऊंगा और ई मेजर बजाऊंगा, तो सेम साउंड आएगा और मेरा एफ मेजर कॉर्ड इजीली प्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सॉन्ग केवल एक ही कॉर्ड के अंदर पूरा आ जाए। ऑलराइट, उसके लिए आपको कॉर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब देखिए तीसरा यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे ए माइनर कॉर्ड ओपन, जी मेजर ओपन, एफ मेजर अगेन जी मेजर ओपन, केवल एक कॉम्बिनेशन आता है, बट मेरा सॉन्ग है बी माइनर, ए मेजर एंड जी मेजर, जो मुझे कॉर्ड्स पकड़नी नहीं आती है, तो मैं क्या करूँगा, ए माइनर को बी माइनर बना दूंगा विद द हेल्प ऑफ कैपो। ऑलराइट, वो कैसे, मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में बताया था देयर आर 12 नोट्स, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, तो यही 12 नोट्स को आपको अपने माइंड में रखना है। ऑलराइट, सो गाइस बी माइनर कॉर्ड्स को अगर मुझे ए माइनर के शेप में पकड़ना है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए ए टू बी जाने के लिए आपके बीच में कितने नोट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सो ए टू बी जाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेरे बीच में एक्स्ट्रा नोट्स कितने आ रहे हैं। सो ए टू ए शार्प टू बी, यानी टू नोट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो टू नोट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो कैपो कहाँ लगेगा, सेकेंड फ्रेट पे। अगर थ्री नोट्स यानी सी माइनर पे जाना है तो थर्ड फ्रेट्स पे, सी के बाद आता है सी शार्प, सी शार्प पे जाना है तो यानी फोर्थ फ्रेट पे। ऑलराइट, तो हमें जाना है बी माइनर पे, तो बी माइनर पे जाने के लिए ए टू ए शार्प टू बी यानी सेकंड फ्रेट, टू फ्रेट्स को यूज करेंगे तो वन टू सेकंड फ्रेट पे मेरा कैपो लगेगा। ऑलराइट, तो कैपो ऑन सेकंड फ्रेट लग गया है जो अब हमारा बी माइनर कॉर्ड ए माइनर के शेप में बजाया जाएगा।
ऑलराइट, अब देखिए जो कैपो है वो हमारा बार का काम ही कर रहा है, तो अगर मैं इसको हटा भी दूं और पी माइनर के शेप को पकड़ दूं लाइक दिस, तो ये हमारा जो बार है ये कैपो का ही यूज़ कर रहा है। ऑलराइट, तो उस कॉर्ड को वो बस इजी बना दे रहा है। ऑलराइट, सो देखिए कैपो ऑन सेकंड फ्रेट, ए माइनर शेप। ऑलराइट, सो गाइस देखिए मैंने बी माइनर को ए माइनर बना दिया। अब ए माइनर के बाद हमारी क्या कॉर्ड आ रही थी, जी मेजर, जी मेजर के बाद एफ मेजर। ऑलराइट, तो बी माइनर के साथ हमारे कॉम्बिनेशन जो लग रहे थे बी माइनर, ए मेजर, जी मेजर, तो दोनों का साउंड देखिए सेम आ रहा है। आई विल शो यू, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर। अब मैं बी माइनर वाला कॉम्बिनेशन में जाता हूँ, बी माइनर, ए मेजर, जी मेजर। ऑलराइट, तो ऐसे आप किसी भी कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन को इजी बना सकते हैं और इजीली सॉन्ग गा सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया हो कैसे आप कैपो को यूज़ करें। सो चलिए गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रॉकिंग।